जैन समाज द्वारा इन दिनों चतुर्मास के उपलक्ष्य में धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विवेक विहार में आध्यात्मिक प्रवास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साध्वी अरणिमा श्री जी ठाणा के साथ ही कई साध्वियों ने हिस्सा लिया और उपदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन ओसवाल समाज की तरफ से किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल जैन मुनियों ने बताया है कि चतुर्मास में तपस्या की परंपरा है, जिसमें 15 दिनों तक भोजन त्याग कर तपस्या की जाती है और सफल जीवन की मंगल कामना की जाती है। इस तपस्या से स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। वहीं चतुर्मास में ही जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व पर्युषण पर्व मनाया जाता है। यदि वर्ष भर जो विशेष परंपरा व्रत आदि का पालन नहीं कर पाते हैं, वे इन 8 दिनों के पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, जप तप, मंगलीय प्रवचनों का लाभ तथा साधु संतों की सेवा में सम्मिलित रहकर जीवन सफल करने की मंगल कामना करते हैं। आराध्य के चरणों में वंदना। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के एकादशम अनुशास्ता युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के हम शिष्याएं हैं और उन्होंने हमारा इस वर्ष का चातुर्मास दिल्ली शाहदरा घोषित किया है और हमने 30 जून को यहाँ प्रवेश किया और तब से हमारा बराबर क्रम चल रहा है। प्रवचन का क्रम चल रहा है और तपस्याओं का क्रम भी चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर धर्म में तपस्या का महत्व है, जैन धर्म में विशेष महत्व है और उसका आधार है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, स्वास्थ्य की, अन्य सारी कठिनाइयाँ, उस सारी कठिनाइयों से छुटकारा पाने का एक माध्यम तपस्या को माना गया है और वह तपस्या के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है और जब कर्म दूर होते हैं तो आत्मा उज्जवल होती है। यह हमारी विशेष तपस्या है और हमने देखा अभी तक हमारे 5-7 पखवाड़े 15 दिन की तपस्या हो गई, 17 की हो गई, 4-11 की तपस्या हो गई, 13 की तपस्या हो गई, 9 हो गया, 28 हो गई है और न जाने 15 पचरंगियाँ हो गई है। तो बहुत अच्छा क्रम चल रहा है और हमारा श्रावक समाज बहुत लाभ ले रहा है और हम चाहते हैं इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा तप उतरना चाहिए ताकि वो स्वस्थता की अनुभूति कर सके, कर्म की निर्जरा करके आत्मा को ऊंचा उठा सके। हमारे गुरुदेव मुंबई में चातुर्मास कर रहे हैं और वहाँ भी उनके सानिध्य में 21 रंगी तपस्या हो रही है और ये बड़ी तपस्या है। हम चाहते हैं यहाँ भी दिल्ली में भी जहाँ जहाँ साधु संत हैं अच्छा क्रम बन रहा है और ये बनता रहे। जिस तरह का आज माहौल है, युवा वर्ग जो है धर्म से वंचित हो रहा है, ऐसे में क्या समाज को बताना चाहिए? मैं इस बात से आपकी पूरी सहमत नहीं हूँ कि युवा वर्ग धर्म से वंचित हो रहा है। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ युवा वर्ग की है जिनका सॉल्यूशन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी इस परिषद में देखो, आपको अधिकतम युवा ही नज़र आ रहे होंगे। हमने युवाओं की चेतना को जागृत करने के लिए उनके डेली लाइफ की समस्याओं के समाधान में हमने प्रवचन को एक नई दिशा दी है और उससे प्रेरित होकर के हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ज़रूरत है आज किसी भी धर्म संप्रदाय में कोई भी साधु संत हो, उनका पहला दायित्व है कि वो हमारी दिशा विहीन पीढ़ी को रास्ता बताए। हमारी युवा पीढ़ी भटके नहीं, युवा पीढ़ी हमारे भारत का गौरव है, हिंदुस्तान का गर्व है। अगर ये पीढ़ी अपने आप में संस्कारित रहेगी तो मुझे लगता है आने वाली देश की अनेक समस्याओं का वो समाधान कर सकती है। देश के नेतृत्व में हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी आगे रहे और माननीय मोदी जी जिस ढंग से देश को संचालित कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतवर्ष की जो गरिमा और गौरव बढ़ा है और वो जो युवकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और साधु संत गुरु भगवंत भी ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लगभग 1 करोड़ लोगों को व्यसन मुक्त बनाया है। सद्भावना और नैतिकता की यात्रा के साथ वो गतिमान है। लगभग 55,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है और हम चाहते हैं हमारा देश अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक दिन वह भी आए जो हमारा पूर्व का गौरव था, भारतवर्ष अध्यात्म का गुरु था, वो मार्गदर्शन करता रहे। ओम अर जैन धर्म
जितना आध्यात्मिक है उतना वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म की मान्यता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जितनी दृश्य वस्तुएं हैं वो सब नाश समान है। लोग दृश्य वस्तुओं में ज़्यादा लालायित हो रहे हैं और अपनी आत्मा को भूलते जा रहे हैं। मूल जब यहाँ से विदा होंगे तो साथ में जाने वाली आत्मा है, ये मकान दुकान सामान संतान सब यहीं रह जाने वाले हैं। हमें इन बाह्य चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ करके आत्मा की ओर भी ध्यान देना है कि मुझे केवल विद्वान धनवान बलवान श्रीमान ही नहीं, मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, इंसान से भगवान बनना है। मेरे से कोई अनैतिक आचरण न हो, मेरे से किसी के प्रति दुर्व्यवहार न हो, ताकि मैं किसी के आँखों का कांटा न बनूं। मैं इस धरती पर आया हूँ अपना भी कल्याण करूं, औरों का भी कल्याण करूं। जैन धर्म की मान्यता है तिन्नाण तारियाण खुद तरो औरों को तारो, खुद धानंग गोही आनंद खुद ज्ञानी बनो औरों को ज्ञानी बनाओ। ज्ञान बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है, हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे इस कृष्णा नगर चतुर्मास में मेरे सहयोगी संत मुनि नमी कुमार जी ने 35 दिन की तपस्या आज संपन्न करने जा रहे हैं। इनका 35वां दिन है और इससे पूर्व भी इन्होंने कई तपस्याएं की है। इस दिल्ली आगमन के बाद भी 25 और 26 दिन की तपस्या की है। इस तपस्या का लक्ष्य एक ही है, कर्म निद्रा आत्मा की शुद्धि। हमारी तपस्या धन वैभव सत्ता प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, केवल कर्म निद्रा के लिए, आत्मसिद्धि के लिए की है। और मुझे बहुत खुशी है कि कृष्णा नगर आने के बाद कृष्णा नगर के लोगों में अच्छा उत्साह, अच्छी धर्म जागरणा, पांचों समय यहाँ निर्बाध गति से कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 4 बजे से पूर्व प्रारंभ हो जाता है, फिर 7:45 के लगभग हो जाता है, फिर दोपहर में 1:30 बजे लगभग हो जाता है, शाम को 7 बजे लगभग हो जाता है। लोग बिना बुलाए समय पर पहुँच जाते हैं और अपनी आराधना साधना करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान से लाभान्वित होते हैं, दर्शन से लाभान्वित होते हैं और ज्ञान दर्शन के साथ चरित्र उनका अच्छा बन जाता है। और चरित्र का ही नाम तो तप है कि ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। वो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करके हर व्यक्ति आने वाला अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे, शांति और आनंद को प्राप्त करे। धर्म का यही लक्ष्य है, अशांत संसार को धर्म का शांति का संदेश है। शांति से व्यक्ति को नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, विचार व्यवहार परिवार सब अच्छे होते हैं। तो ये सब धर्म से ही संभावित हैं। तो हम ऐसे धर्म की व्याख्या करते हैं, अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम तप, इससे बढ़कर धर्म नहीं है। और मुझे गौरव है हमारे भारत देश में जितने भी संप्रदाय हैं सब में तप बताया गया है। सनातनी कहते हैं सोमवार का एकासन करो, मुसलमान कहते हैं रोजा करो, क्रिश्चियन कहते हैं 40 दिन के नशा का परिहार करो। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है, ऋषि भूमि ऋषि मुनियों का यहाँ उपदेश गूंज रहा है। और इसीलिए आज हमारे 73 वर्षीय संत मुनि नमी कुमार जी ने एक जो तपस्या की आराधना की है, 13वें धर्म संघ में दिल्ली में चतुर्मास कई हो गए साधु साधियों के, ये पहले संत हैं जिन्होंने 35 दिन की तपस्या का रिकॉर्ड किया है। तो ये इसलिए टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।